हेलो एंड वेलकम एक और सुहानी सुबह दुर्ग में। तो अभी बज रहे सुबह के 11 और मैं नाश्ता कर चुका हूँ नहा धोवा के। और कल होली खेलने में बहुत मज़ा आया, बहुत होली खेले, काफ़ी देर तक का होली खेले। कल तो शाम के 4:30 बजे हम लोग दोपहर का लंच किए हैं और देखो अभी तक का कलर नहीं निकला हुआ है। बहुत ये चूड़ी रंग है, ये नहीं निकलता, बहुत जल्दी नहीं निकलता है, निकल जाएगा, 2 से 4 दिन लगेगा और निकल जाएगा, जल्दी ही निकल जाएगा। होली खेलने का मज़ा उसी में है जिसमें हमारा ये जैसे रंग है, रंग नहीं निकल रहा है। ये रंग निकलना, अगर आपका जल्दी निकल जा रहा है ये रंग, तो फिर क्या ही होली खेले। कम से कम 2-4 दिन तो रहे हमारे शरीर में, दिखे कि हाँ सही में हमने होली खेला है, बहुत मज़े किए। अब थोड़ा बहुत वो गुलाल से बस खेले, गुलाल से भी खेलना ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसे भी रंग लगाने जो मतलब थोड़ा निकलने में समय लगते हो। ऐसा नहीं लगा लेना है कि स्किन में वो एलर्जी कर दे, कुछ भी स्किन से रिलेटेड एलर्जीज होने लगे। रंग भी देख के लेना है और लगाना भी है। तो होली के रंग मेरे शकल में और मेरे हाथ में पूरा छप गए थे। अभी तो फिलहाल बहुत निकाल लिया हूँ, हाथ हाथ का पूरा जितना भी रंग था सबको मैं निकाल लिया हूँ। अगर वीडियो नहीं देखा है कल वाली तो चेक कर लेना, पिछली वीडियो को चेक कर लेना। कल मेरा पेपर है, 10 तारीख को मेरा पेपर है, तो उसके लिए मेरे को अपना एडमिट कार्ड भी निकालना है और थोड़ा बहुत उसके लिए पढ़ाई भी कर लेते हैं। 10वीं का पेपर नहीं है मेरा, गवर्नमेंट का पेपर है, तो गवर्नमेंट वाला पेपर उसको देते हैं, कल जाएंगे और सुबह मॉर्निंग में है उसका। तो सुबह 7 बजे मेरे को तैयार व्यार होकर पूरा निकलना पड़ेगा यहाँ से, और वहाँ 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 10 बजे तक का पेपर होगा, उसके बाद फिर रिटर्न घर आ जाऊँगा। तो आज का दिन देखते हैं कैसा जाने वाला है। वैसे तो कल बहुत ज़्यादा होली खेले, सब थक गए हैं, इतना पानी पानी में होली खेले हैं, तो सब कहीं ना कहीं आराम ही कर रहे होंगे। अधिकतर दुकान इधर तो बंद ही है। इसी कूलर में ये यहाँ पे रबर पेंट होगा, नया एकदम, फिर भी रबर पेंट कर देते हैं, पहले से इसको प्रोटेक्टिव बना देते हैं जिसके वजह से कभी ख़राब ना हो, मतलब आगे फ्यूचर। अभी देखो मेरे घर में मामा मामी लोग आए हुए हैं और उनके दोनों बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, दोनों बच्चे मिलके। नहीं कुछ करती है गैया, कुछ नहीं करता है। बाय बाय, अरे छोटू। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पढ़ ही रहा था और काफ़ी देर हो गया पढ़ते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए, रिवाइज करते हुए। बज रहे रात के 9:30 और मैं 8 बजे से पढ़ रहा था, इन चीज़ों को तैयारी कर रहा था क्या क्या आने वाला है। 1.5 घंटे में काफ़ी पढ़ाई हो जाए, जितना मेरे को मालूम है उतना मैं ट्राई करूँगा अपने तरफ से एग्ज़ाम देने का। और अभी चलते हैं नीचे, खाना वाना खाऊंगा, उसके बाद फिर वीडियो को अपलोड करना भी है ये ब्लॉग को। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब के लिए चैनल पर नए हो।
सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए।